हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज दिखाएंगे आपको कुकिंग व्लॉग। तो आज मैं बना रहा हूँ चाउमीन। तो पहले लेके आते हैं इंग्रेडिएंट्स, सभी जो भी हमें चाहिए। तो लेते हैं शिमला मिर्च चाहिए, बाकी सब कुछ घर पे है और तो कुछ नहीं। तो चलिए लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको चाउमीन कैसे बनती है। हे गाइस, तो चाउमीन बनाने शुरू करते हैं। पहले अपनी जो ये मैगी से बनाते हैं अपन, इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और अब काट लेते हैं सब्जियां जो जो हमें चाहिए। तो गाइस, मैं पहले प्याज चॉप कर लेता हूँ। और गाइस, ये अपनी चाउमीन भी उबल रही है, तो आप देखें। तो गाइस, अभी काट देते हैं कैप्सिकम। तो ये बड़े बड़े पीसेस काट रहा हूँ मैं, और इतने हमारी जो मैगी है वो उबल रही है। तो आज देखते हैं चाउमीन बनती है या नहीं। चाउमीन कह लो, वेज मैगी बोल लो, जो भी बोलो, बनाएंगे पर चाउमीन स्टाइल में बनाएंगे। आज खा लेते हैं जो भी खाना है। तो फिर एक दो दिन से मैं जिम शुरू करूँगा, तो जिम ही लगाएंगे फिर तो बंद कर देंगे इसको, सब कुछ गेम करेंगे अपना दोबारा से। बस ज़्यादा कुछ नहीं, ये काट लेते हैं। तो देखो फिर आज कैसे बना था तुम्हारा भाई चाउमीन। भाई, हमारी भूमिक्षा ने भी चाउमीन नहीं खाई है, तो आज इसको भी अपन चाउमीन खिला देंगे। तो इसके लिए बना रहा हूँ मैं आज चाउमीन। तो गाइस, मैंने कैप्सिकम काट लिए, प्याज काट लिए है, और जो अपनी मैगी है वो भी उबल चुकी है। तो अभी चाउमीन बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये बन रही है आज हमारे चाउमीन। ये हम है, ये हमारी रसोईया है, और यहाँ पे हमारी चाउमीन बन रही है। तो गाइस, ये देखें कैसे इसके थलक थलक हिल रही है चाउमीन। तो गाइस, अभी जो अपनी चाउमीन है वो इसके अंदर डाल देते हैं, और अभी लेनी होगी हमें एक कढ़ाई। तो उसके अंदर से फिर अपन बनाएंगे जो भी बनाना। तो वहां देखते हैं, चाउमीन बनाने की ट्राई करते हैं, चाउमीन बनेगी तो। तो ये होगी हमारी चाउमीन तैयार। तो इसको, इसका पानी निकलने देते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। अभी करते हैं कढ़ाई में तेल गरम। तो मैंने ये, तो इसको पानी को सुखाते हैं,
और फिर आज बना रहा तुम्हारा भाई चाउमीन। तो चाउमीन बनाते हैं, पहली ट्राई है मेरी, तो देखेंगे कैसी बनेगी। अगर अच्छी बने तो हमारी रेसिपी को फॉलो करें। तो आज है कुक, आज का कुक है विवेक चौधरी। तो विवेक चौधरी आज कुक बन गया है, बहुत बड़ा कुक हूँ यार मैं, तुम्हें पता ही है 5 स्टार कुकिंग आती है हमें। ओ 5 स्टार को बना रहे हैं अपनी जो चाउमीन, वो बनाएंगे शुद्ध देसी घी में, देसी तरीके से। तो देसी चाउमीन, देसी टेस्ट आएगा उसके अंदर, बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और कोई चीज बची नहीं। तो गाइस कढ़ाई में तल रहा है अपना घी, तो अभी इसके अंदर डालेंगे प्याज, फिर डालेंगे शिमला मिर्च, फिर डालेंगे मसाले और फिर डालेंगे ये मैगी और फिर बनेगी चाउमीन। क्या बनेगी? चाउमीन। तो गाइस ये मैंने डाल दिए प्याज और शिमला मिर्च इसके अंदर, तो ये भून लेते हैं पहले। फिर मैं बहुत ही स्टाइल से ये बचाव करते हुए अपना, और अभी हम बना रहे हैं चाउमीन और छींटे लग रहे हैं यार घी के, तो बचाव ज़्यादा जरूरी है। बहुत ही अच्छे तरीके से बचाव करता हूँ मैं, तुम्हें नहीं पता, बहुत ही कॉमेडी टाइप से हम बना रहे हैं चाउमीन। तो गाइस लाइक का बटन जरूर हिट करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी वीडियो हम डेली लेके आएंगे आपके लिए। अगर आपको ऐसी ब्लॉगिंग पसंद आए तो हम कुक ब्लॉगिंग करेंगे आपके बाद। तो टिंचक ये टिंचक पूजा, अभी हम बना रहे हैं चाउमीन। तो गाइस ये हमारे प्याज भुन गए हैं और अभी इसके अंदर डालते हैं मसाला। तो चलिए मसाला डालेंगे। यू आर माय बेबी बहुत ही कॉमेडी तरीके से बना रहे हैं अपन चाउमीन आज। ओहो ये मसाले का पाउच मेरे से खुल ही नहीं रहा है, तो अभी बहुत ही मेहनत मशक्कत से मैंने पाउच चाकी कर खोल ही दिया और अभी इसके अंदर मैंने मसाला डाल दिया है गाइस। और ये देखिए क्या अच्छी खुशबू आ रही है। ओहो तो गाइस आज तुम्हारे भाई ने मसाला डाल दिया गाइस इसके अंदर अभी, तो ये देखें आप, ये देखें। ओ ये हमारी जलती हुई और ये हमारे चाउमीन का मुझे लगता है सब कुछ जल रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, पहले इसके अंदर थोड़ी सी चाउमीन डाल लेते हैं, बाकी का सीन बाद में देखेंगे। तो गाइस ये गई हमारी चाउमीन कढ़ाई में और अभी शुरू करते हैं आज की प्रोसेस को। तो अभी बना देगा तुम्हारा भाई इसको, लाजवाब चीज बना रहा है, लाजवाब क्या चीज बना रहा है गाइस। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये देखें गाइस। तो आज हमने इसको आखिरकार पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया था, तो हम अपनी प्लानिंग में लगभग कामयाब होते हुए। और इसके अंदर डालेगा एक एक पाउच मसाला हो जाएगा अभी इसके अंदर। तो चलिए बहुत ही मेहनत मशक्कत से हमें वो करना पड़ रहा है, इसमें मसाला डालना पड़ रहा है गाइस। तो देखिए आप बहुत ही मेहनत लग रही है, स्पेशल बहुत बड़े कुक बना रहे हैं आज चाउमीन। तो आप देखें यूट्यूब पर बहुत ही गंद मचा रखा है इन्होंने, तो आप देखें फुल कॉमेडी के साथ बनेगी आज हमारी चाउमीन। गाइस इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ज्यादा स्टीम ना हो और हम अच्छे से चाउमीन बना पाए। हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और
बाकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो हम ना कर सकें। तो ये स्टोव तो मैंने बंद ही कर दिया था, तो अभी इसको उठाएंगे, फिर स्टोव को फिर से चालू करेंगे। ओहो, ये बहुत ही बड़ी डिस्टरबेंस होती हुई, और अभी शुरू करते हैं, फिर से स्टोव पे रखते हैं अपने कढ़ाई को। तो गाइस अभी बना रहे हैं चाउमीन, ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बड़े कुक हैं हम गाइस। तो ये हमने शुरू कर दिया है, इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल दी थी, तो आप देखें अच्छा वो आ रहा है, बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ बनाते हुए। तो गाइस आपका एक लाइक हमें बहुत ही हौसला देता है, तो ऐसी ही कॉमेडी वीडियो के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आप देखें और ऐसे ही चाउमीन बनाएं, तो बनाएं, सभी देखो, शेयर करो फटाफट तुम्हारे भाई को। ओ दे दे पार्टी तू आज मेरी जान, प्लस टू में पास हो गई है। तो गाइस आज हम बना रहे हैं चाउमीन, ये देखें चाउमीन तो मुझे लग रहा है हमारी बन गई, पर सोया सॉस नहीं है हमारे पास जिससे हम इसको टेक्सचर दे सकें। तो हम बहुत ही खतरनाक कुक है यार, तो तुम्हें पता है ऐसी बना देंगे देसी स्टाइल में। तो अभी देखेंगे ये बनी कैसी है, बनके तैयार है अभी अपनी चाउमीन। तो गाइस ऐसे चाउमीन बनाने के लिए हमसे संपर्क करें, हम ऑर्डर पे भी चाउमीन बनाते हैं। तो देखें तुम्हारा भाई बहुत ही अच्छी चाउमीन बना रहा है, ये देखें, ये आज तो बहुत ही गंद मजा रखा है हमने। क्या बात कर रहे हैं आप, चाउमीन हम चाउमीन की बात कर रहे हैं, हम तो आज भी बना रहे ये चाउमीन है। तो अगली बार कमेंट में बताना आपको किसकी वीडियो चाहिए, क्या बनाएं। तो मेरा कल है हॉट डॉग बनाने का प्लान, और समोसे भी बना के दिखाएंगे आपको। तो चलिए, सो डोंट टेक एनी टेंशन ब्रो ब्रो एंड ब्रोज, सो डोंट टेक एनी टेंशन गाइस, हम ऐसे ही चाउमीन बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। तो ये हमने चाउमीन बना लिया गाइस, ये हमारी चाउमीन हो गई है बनके रेडी। तो अब इसको डालते हैं और फिर खाएंगे फटाफट से, ज्यादा वेट नहीं हो रहा, हमें बहुत भूख लगी है। तो गाइस ये हमारी चाउमीन गई प्लेट में, ये चाउमीन हमने प्लेट में डाल दिया गाइस। तो अभी इसको खाएंगे और फिर बताएंगे आपको कैसी बनी है चाउमीन। और ये चाउमीन हमने स्पेशल भूमिक्षा के लिए बनाई है, तो उसको भी खिलाएंगे, उससे भी रिव्यू लेंगे अगर वो देगी तो, बाकी वो देगी नहीं, वो शर्माती है। तो देखते हैं गाइस इसको खाके। गाइस हमने चाउमीन बना लिया और अभी ये रही चाउमीन और खाएंगे। ये भूमिक्षा भी चाउमीन खा रही है, इसने पहली बार चाउमीन खाई है, इसकी डिमांड पे हमने चाउमीन बनाई थी। तो चलिए गाइस खाके बताता हूँ मैं चाउमीन कैसी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है गाइस, लाजवाब। कैसी बनी वो मिर्चा चाउमीन, अच्छी बनी है? तो गाइस मैंने बोला था ये शर्माती है कैमरे पे आते ही, तो चाउमीन बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा ये रेसिपी। तो हमने चाउमीन देसी घी में ही बनाई थी, तो फुल देसी तरीके से, तो चाउमीन बहुत ही अच्छी बनी है।
शॉप, बेस्ट लक, आप भी बनाए तो बनाए चाउमीन सभी, तो फुल गंद मचा दो गाइस, चाउमीन बनाओ, आओ मुझ। तो गाइस मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप इसके अंदर सॉस मत डालें, सॉस डालोगे तो सारी चाउमीन खराब हो जाएगी, तो आप सीधी खाएं बेस्ट रहेगा, सॉस मत डालें, सॉस डालने के बाद में सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। मैंने भी सॉस डाली थी, इसका काम हो गया है अभी, तो ये जो चाउमीन बची है ये अभी अपने किसी काम की नहीं रही, तो ये खराब हो गई है अभी, तो फिर भी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाउमीन बहुत ही अच्छी है, खाने की चीज़ को वेस्ट ना करें, खाते इसे। तो गाइस चाउमीन मैंने खा लिया है और अभी देखेंगे कहाँ चलेंगे, और मैं बधाई देना चाहूँगा भाई नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल के लिए ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में, तो कंग्रेचुलेशंस भाई नीरज चोपड़ा, अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको बधाई हो, नीरज चोपड़ा हमारे मित्र है तो बधाई हो भाई, जानता हूँ मैं नीरज चोपड़ा को पर्सनली, तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो बधाई हो भाई, और फास्ट फूड को अवॉइड करें, मैं तो वैसे ही वीडियो के लिए कर रहा था कॉमेडी के लिए, मुझे कोई ज़्यादा ऐसा टेस्ट नहीं है फास्ट फूड खाने का, ये तो अभी लॉकडाउन में सीख गया मैं। तो चलिए गाइस अभी कहीं चलेंगे, तो फास्ट फूड को करें आप अवॉइड, बी अवेयर ऑफ फास्ट फूड एंड चाउमीन, तो बाकी कुछ नहीं, आप मौज करें, खाएं पिए ऐश करें, अच्छा खाना खाएं, चाउमीन ना खाएं, कभी कभी तो खाएं यार, हमारी रेसिपी जरूर ट्राई करें, फिर मत खाना कभी भी। तो चलिए गाइस देखेंगे अभी कहाँ चलेंगे, तो गाइस कहीं चलने का प्लान तो नहीं बना, प्लान बना है कि अभी हम इसको पानी पिलाएंगे, ये देखें आप, ये डर रही है कैमरे से, शर्मा रही है ये देखें आप। तो गाइस चलिए इसको पिलाते हैं पानी और फिर चलेंगे कहीं बाहर, देखेंगे कहाँ चलते हैं, तो पहले तो इसको पानी पिलाएंगे। गाइज हमने भैंस को पानी पिला दिया है, अभी चलेंगे बाहर, बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो उनको दिखाएंगे आपको, बहुत ही पुराना गेम है ये, तो चलिए। तो गाइज अभी हो गया एक कांड, ये भव्या गिर गया है खाट से, तो अभी नरेश भाई इसको चुप करा रहे हैं, तो गाइज ये देखिए कैसे चिल्ली मार मार के रो रहा है, तो ये बहुत ही पुराना गेम है गाइज, जब हम खेलते थे तो बहुत ही बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, तो अभी तो ये तीन ही बच्चे हैं, इसका नाम है गेटा गिंडी, बहुत पुराना गेम है गाइस ये, जब हम खेलते थे कम से कम 10 बच्चे हो जाते थे खेलने वाले, तो गाइस अभी वो टाइम नहीं रहा पहले वाला गांव में, तो अभी इतने बच्चे इकट्ठे नहीं होते। लाड़ू को ये सबसे काला आदमी, कैसा आदमी, बहुत काला है ये, एक काले आदमी, कैसे तू, बहुत अच्छा है ये गाइस, गाइस अभी इसको पूरे मजे आ रहे हैं।
तो गाइज आप जो ये छेद देख रहे हैं, ये भव्य की कलाकारी है, इसने चुन्नी की कार्रवाई कर दी है गाइज। तो आप देखें अभी कितना भोला बनता हुआ, देखें आप इसको चुन्नी काट के देखो कैसे दूर भाग रहा है। अभी चलते हैं पार्क में, और पार्क में चलते हैं फिर देखते हैं आप वहाँ पे कोई मिलेगा तो। चलिए चलते, बस आपको व्लॉग दिखा कि चाउमीन कैसे बनती है, चाउमीन बनाने का ट्यूटोरियल दिया मैंने आपको, ट्यूटोरियल दिया है तो आप उसे देखें समझें और घर पे चाउमीन बनाएं खाएं देसी तरीके से। तो गाइज आज मुझे एक खबर पता चली है कि हॉकी टीम जो है, इंडियन हॉकी टीम ने प्राइज मनी से डिनाई कर दिया है, कुछ प्लेयर्स ने या शायद सभी प्लेयर्स ने डिनाई किया है, तो वो तो पूरा कंफर्म नहीं है, पर कुछ प्लेयर्स ने डिनाई किया ये तो कंफर्म है। तो उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने प्राइज मनी को ठुकरा दिया है। तो ऐसे प्लेयर्स को सल्यूट है भाई, दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद भाई और बधाई हो भाई साहब आपको। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको बधाई हो आपके मेडल की, और आपने सरकार को ये सबूत दिया है कि आप किसानों के बेटे हो। ज़्यादा कुछ नहीं गाइस, तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे। तो गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़, और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ऐसी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल की बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो टाटा बाय बाय।